हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले मूवी का नाम है किंग्समैन गोल्डन सर्किल। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर दे और इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करें। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एग्जी किंग्समैन के शॉप से निकल रहा होता है, तभी कोई एग्जी को बुलाता है। एग्जी देखता है कि वह चार्ली है। तभी तीन गाड़ियां एग्जी की ओर आती हैं, तो चार्ली कहता है मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो अपनी गाड़ी अनलॉक कर देता। तभी एग्जी चार्ली को गाड़ी में धक्का देकर बैठा देता और दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। चलती गाड़ी में फाइट करते करते पता चलता है चार्ली के हाथ आयरन के हो गए और वो गाड़ी में लगे स्क्रीन से कुछ लेने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में उस गाड़ी का ड्राइवर एग्जी के नाइफ से मारा जाता है। तभी वो गाड़ी जाकर टकरा जाती है और चार्ली गाड़ी से बाहर आ जाता है बिना आर्म के। और वो तीन गाड़ियां जो एग्जी के गाड़ी का पीछा कर रही थी वो उसे घेर लेती हैं उसकी गाड़ी। तभी एग्जी अपने गाड़ी को ड्रिफ्ट मोड पर कर ड्रिफ्ट करते हुए वहां से निकलता है। फिर वो तीन गाड़ियां भी एग्जी का फिर से पीछा करने लगती हैं। तभी एग्जी मर्लिन से पूछता है परमिशन के लिए उन गाड़ियों को उड़ाने के लिए, तो मर्लिन मना कर देता है, कहता है अभी नहीं, और ट्रैफिक उसके लिए क्लियर कर देता है। और फिर जब एग्जी डार्क जोन में पहुंचता है तब वो मिसाइल फायर करने की परमिशन देता है। तब एग्जी मिसाइल फायर कर और उन तीन गाड़ियों को उड़ा देता है। और तब मर्लिन कहता है वहां से जल्दी निकलो, पुलिस आ रही है। और फिर एग्जी वहां के पास के लेक में गाड़ी सहित घुस जाता है और अपने ब्रेथ रोक कर एक सीक्रेट जगह पर मर्लिन की हेल्प से पहुंचता है, जहां मर्लिन एग्जी को कहता है वहां से निकलने का एक ही तरीका है मैन। एग्जी के जाने के बाद जो आर्म चार्ली का रह गया था एग्जी के कार में, वो अचानक से मूव करने लगता है और उसी के गाड़ी में पड़ा स्क्रीन से डिटेल निकालता है। फिर दिखाया जाता है एग्जी हैरी के घर के आगे मैनहोल से निकलता है और अंदर जाता है, तो पता चलता है कि प्रिंसेस अब उसी के साथ रहती है और वो दोनों एग्जी के दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाते हैं और फिर ड्रिंक होता है। पर एग्जी ये कहकर मना कर देता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के डैड से मिलने जाना है। तभी दिखाया जाता है इस मूवी की विलन लेडी, जो ड्रग्स का बिजनेस करती और कहीं दूर जंगल के बीचों बीच अपने बेस बनाकर रहती है। वो और दो आदमी बात करते हुए दिखाए जाते हैं। वो वहाँ बैठे दूसरे आदमी को बोलती है दूसरे वाले को मिंसर में डालने के लिए, और वो समझते हैं कि वो मजा कर रही है। पर वो लेडी वहाँ जाकर मिंसर ऑन करके खड़ी हो रहती है। वो आदमी भागने लगता है, तब पॉपी एडम अपने रोबोट डॉग को विसल करके बुलाती है। फिर जिस आदमी को बोली थी वो उसे पकड़ कर उसी मिंसर में डाल देता है। पॉपी फिर उसे बोलती है मेरा सलून जो सामने देख रहे हो उसमें जाओ और उसमें अपने, और फिर पॉपी उस आदमी के मीट से कुक करने लगती है। एग्जी कहीं जाते रहता है, तभी प्रिंसेस बुलाती है रात के डिनर प्रैक्टिस के लिए। तब एग्जी बताता है कि वो सब जानता है, हैरी ने उसे सिखाया, और वो इमोशनल होकर वहां से चला जाता है। किंग्समैन टेलर शॉप पे पहुंचता है, अंदर जाते ही देखता है मीटिंग के लिए उसका वेट हो रहा होता है। रॉक्सी भी आई हुई रहती है, नया बॉस भी आया है आर्थर की जगह। मर्लिन आता है और बताता है कि एग्जी पे जो अटैक हुआ था वो चार्ली थॉर से गोल्डन सर्किल के बारे में बात करता है। तभी जिस आदमी को पॉपी भेजती है वो वहाँ सैलून में जाता है और उसके चेस्ट पे गोल से सर्किल बनाया जाता है, और वो वापस आता है और पॉपी उस बर्गर खाने को देती है। वो जैसे तैसे खा लेता और पॉपी उसका वेलकम करता। और फिर सीन शिफ्ट होता है एग्जी प्रिंसेस के मॉम और डैड के साथ डिनर करते हुए रहता है और प्रिंसेस के डैड उसका टेस्ट लेते हैं। वो सब बोलता चला जाता है, पता चलता है कि रॉक्सी उसके पीछे से बता रही होती है। तभी एग्जी का डॉग एग्जी के रूम में जाने के लिए डोर पर खड़ा रहता है, में आकर एग्जी का दोस्त वो डोर खोल देता है। तभी वो भी अंदर आता है और एग्जी के स्टफ को हाथ लगाता है। गलती से एक बटन प्रेस होने पर किंग्समैन के इक्विपमेंट बाहर निकल आते हैं। तभी वो ग्लासेस लेकर पहनता है और वो बॉम्ब भी लेता है जो एग्जी को दिखता है। एग्जी उसे लाइटर नीचे रखने के लिए बोलता है। तभी कहां से एक मिसाइल से अटैक होता है और उसके घर पे और पूरे यूके में जहां जहां किंग्समैन के स्पाई रहते हैं। तभी पॉपी को दिखाया जाता है, वो चार्ली को एक नया आर्म गिफ्ट देती है और वो उसे टेस्ट कराती है। तभी एग्जी को दिखाया जाता है, वो वहीं टेलर शॉप के आगे खड़ा रहता है और वहाँ मर्लिन आता है। एग्जी उसे पूछता है सब मर गए, तुम कैसे बचे हुए हो, नहीं तुम इन्हें तो गद्दारी नहीं की है। तब मर्लिन बताता है कि वो चार्ली का आर्म जो एग्जी के गाड़ी में
छूट गया था, उसने हैक किया है। तब एग्जी इमोशनल होने लगता है। तब मर्लिन बोलता है, अभी वक्त इमोशनल होने का नहीं है, अपनी ट्रेनिंग याद करो और डूम्सडे की प्लानिंग के पे चलो। तभी वो दोनों निकलते हैं प्लान के हिसाब से और पहुंचते हैं एक लॉकर के पास, जो कहा जाता है सारी मुसीबतों का इलाज इस लॉकर में है। जब वो लॉकर खोलते हैं तो उन्हें उसमें से एक विस्की की बोतल दिखाई देती है। वो उसे पीते हैं और इमोशनल बातें करते हैं और फिर एग्जी को बोतल खत्म होने के बाद बोतल के नीचे लास्ट में कुछ लिखा हुआ मिलता है। कहाँ जाना है वो समझ जाते हैं। वो वहाँ पहुँचते हैं, दरअसल वो विस्की बनाने की जगह रहती है यूएसए में। अंदर जाते हैं और वो सीक्रेट प्लेस ढूंढते हैं, तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो एग्जी और मर्लिन से कहता है, तुम्हें कोई मैनर्स नहीं सिखाया गया है क्या, और पूछता है कौन हो तुम लोग। तब मर्लिन और एग्जी बताते हैं वो किंग्समैन टेलर्स हैं। तब वो आदमी बोलता है, एक टेलर के लिए बायोमेट्रिक्स हैक करना मुश्किल है। फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, मर्लिन टकराने से बेहोश हो जाता है और एग्जी के वॉच से एग्जी को ही बेहोश कर देता है। जब दोनों की आंख खुलती है तो दोनों बंधे हुए होते हैं और बताते हैं वो वहां पहुंचे कैसे, पर वह आदमी उनका विश्वास नहीं करता और कहता है, हैरी को दिखाकर इसे गोली मार दो तब शायद तुम कुछ बताओ। वो चिल्लाते रहते हैं हैरी को गोली नहीं मारने के लिए। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम जिंजर रहता है और वो उस आदमी से कहती है, मुझे एक छाता मिला जिसपे किंग्समैन का लोगो बना हुआ है, और वो उन लोगों को खोल देती है और बताती है उस आदमी का नाम टकीला है और बताती है वो स्टेटमैन से है। तभी हैरी और एग्जी भागे भागे जाते हैं हैरी के पास। जैसे ही गले मिलने की ट्राई करते हैं हैरी मना कर देता है और उन्हें नहीं पहचानता है। तभी वो टकीला से पूछते हैं, जाकर ये मिला कहाँ से। तब वो बताता है, एक साल पहले उन्हें कोई लो फ्रिक्वेंसी सुनाई दी थी, उसका पीछा कर हैरी के पास पहुंचे और उसका इलाज किया पर उसे कुछ याद नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है पॉपी लैंड की तरफ, जो पॉपी का अड्डा है, चार्ली को जाते हुए दिखाया जाता है। पॉपी से मिलता है और देखता है पॉपी किसी बर्थडे सिंगर को किडनैप कर लाती है। वो गाने से मना कर देता है। तभी पॉपी उसे एक शॉक देती है और वो गाना स्टार्ट करता है। तभी उसके शरीर से पॉपी का पॉइजन का असर दिखाने लगता है और वो कहती है, इसका इलाज मेरे पास है। फिर दिखाया जाता है कि एग्जी और टकीला कहीं जाते हैं और वो एक आदमी के पास पहुंचते हैं जिसका नाम शैम्पेन रहता है और वो उनका बॉस रहता है स्टेटमेंट का। एग्जी हैरी को बचाने के लिए थैंक यू भी बोलता है और वो गोल्डन सर्किट के बारे में भी बताता है। तभी उनका बॉस शैम्पेन टकीला को काम देता है एग्जी की हेल्प का। तभी उसे भी उसी सिंगर के तरह शरीर में सारे वो पॉइजन का असर दिखने लगता है। तभी शैम्पेन कहता है, तुम्हें चेकअप की जरूरत है, और वो काम नए एजेंट को देता है जिसका नाम विस्की रहता है। फिर दिखाया जाता है जिंजर और मर्लिन हैरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर मर्लिन हैरी का टेस्ट लेने के लिए उसके कमरे में पूरा पानी से भर देता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद उसे वो टेस्ट रोकना पड़ता है। दरअसल वो टेस्ट उसका याद दिलाने के लिए था पर उसे कुछ याद नहीं आता। तभी मर्लिन हैरी के पास जाता है और कहता है, ये तुम्हें याद दिलाने के लिए किया गया था, पर हैरी कहता है कि मुझे जाने दो मेरे बटरफ्लाई कलेक्शन के लिए। तभी दिखाया जाता है एग्जी प्रिंसेस के पैलेस पे जाता है और उसे कहता है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए विस्की के साथ बाहर जा रहा होता है चार्ली के गर्लफ्रेंड को मिलने एक कॉन्सर्ट में। फिर वो वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें चार्ली की गर्लफ्रेंड दिखती है और वो फिर उसे बात करते हैं। तभी एग्जी को वो पॉइजन के साइड इफेक्ट वाले कुछ लोग दिखते हैं तो वो उनके पिक्चर मर्लिन को भेजता है और वो तब मर्लिन और जिंजर वहीं टकीला के पास खड़े रहते हैं और वो उस पे बात करते हैं। फिर पॉपी को दिखाया जाता है वो चार्ली के साथ बैठकर बात करते रहती है। तभी वो आदमी आता है एंजल, उससे अपने रोबोट डॉगी से मरवा देती है और फिर एग्जी को दिखाया जाता है कि वो चार्ली के गर्लफ्रेंड के साथ, वो चार्ली की गर्लफ्रेंड एग्जी से कहती है चलो मेरे टेंट में। तब चार्ली उसके टेंट में जाता है और वो साइड में जाकर प्रिंसेस को कॉल करता है जो काम वो करने वाला रहता है और प्रिंसेस गुस्से में उसका फोन काट देती है। तब एग्जी बाहर आता है फोन काटने के बाद। फिर चार्ली की गर्लफ्रेंड एग्जी से इंटीमेट होने के लिए बोलती है पर वो मना कर देता है। पर जब वो गोल्डन सर्किट उसके बैक पर बना हुआ देखता है तब वो कहता है यस और ट्रैकर उसके शरीर में इम्प्लांट कर देता है। उसके बाद बाहर आके वो प्रिंसेस को कॉल करता है पर वो नहीं उठाती है। तब वो हैरी के पास जाता है और वो देखता है कि वो अपना सामान पैक कर रहा होता है बटरफ्लाई पे रिसर्च करने के लिए जाने को, और वो हैरी को याद दिलाने की कोशिश करता है पर हैरी बोलता है उसे
जाना होगा रिसर्च के लिए, और एग्जी वहाँ से चला जाता है और जाकर कहीं बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और प्रिंसेस के फोन ट्राई कर रहा होता है बार में बैठकर। तभी उसे कुछ याद आता है और वो हैरी के डॉग जैसा हैरी के सामने लेकर पहुंच जाता है और हैरी को देता है। हैरी खुश होता है। वैसे ही एग्जी उस पे गन तान देता है। तब हैरी उस डॉग को बचाने लगता है। तब एग्जी कहता है, तुमने भी तो ऐसे ही अपने डॉग को मारा था। और फिर धीरे धीरे हैरी को सब याद आने लगता है और फिर एग्जी से गले मिलता है। तभी मर्लिन आ जाता है और कहता है, लगता है अब टैक्सी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैरी कहता है, इसके बाद अब कोई जरूरत नहीं है मर्लिन। तब दिखाया जाता है कि एग्जी हैरी को वॉच देता है और वो लोग हैरी, एग्जी, मर्लिन और विस्की बैठे हुए होते हैं किसी बार में। और कुछ लोग कहते हैं निकल जाने के लिए, तो हैरी वहां से उठता है और गेट बंद करता है पहले की तरह, पर वो मार खा जाता है। तभी वहीं तब विस्की उठता है और हैरी को साइड कर मारने लगता है और सबको। और फिर वैसे ही पॉपी की पॉडकास्टिंग होती है टीवी पर और वो बताती है कि वो पॉइजन वायरस उसके लैब में बना है और वो उसके पास इसका एंटीडोट है, पर ड्रग्स के बिजनेस के लीगलिटी के लिए करती है। और ये सब यूएस प्रेसिडेंट और वो लोग देख रहे होते हैं। पॉपी के न्यूज के बाद देखा जाता है कि वर्ल्ड वाइड पैनिक का माहौल है और हॉस्पिटल में पेशेंट्स की नंबर बढ़ने लगते हैं। यूएस प्रेसिडेंट भी कहते हैं वो नहीं मानेंगे उनकी शर्तों को। इससे इनडायरेक्ट जो ड्रग्स लेते हैं वो सब क्रिमिनल खुद ही मर जाएंगे और वो इसे विन विन सिचुएशन बताकर सेलिब्रेट करते हैं। और ये सब स्टेटमेंट में बैठे एजेंट सुन रहे होते हैं और शैम्पियन कहता है ये गलत है। तभी मर्लिन और जिंजर कॉल करते हैं और चार्ली के गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं कि वो चार्ली से बात करते रहती है और उसे ट्रैक करते हैं क्योंकि उसे भी वो ब्लू रैशेस हुआ होता है। वो उसे लैब में बुलाता है। एग्जी, हैरी और विस्की जाते हैं और उसे लैब से एंटीडोट लेकर भागते हैं। तभी चार्ली भी उनके पीछे जाता है जब तक एग्जी भी केबल कार पर बैठ जाता है और चार्ली को बाय करते रहता है। पर थोड़े देर बाद चार्ली उसे केबल कार में कॉल करता है और उसे फिर वो राउंड राउंड घुमाने लगता है। तभी विस्की अपने गैजेट से उस केबिन कार को के वायर को काट देता है और वो गिरने लगते हैं। एक डेस्टिनेशन स्पॉट पे उसे टकराने वाले रहते हैं। तभी एग्जी विस्की के पैराशूट खोल देता है और वो बच जाते हैं। और फिर एग्जी हैरी को मिलने के लिए बुलाता है। हैरी आता है जहां एग्जी उसे बुलाता है। फिर पॉपी के गुंडे आ जाते हैं और गोली चलाने लगते हैं और एग्जी से वो एंटीडोट छूट जाता है। तभी विस्की बाहर जाकर फाइट करता है पर हैरी को शक होता है उस पे। और जब विस्की पॉपी के लोगों को मारकर अंदर आता है और जब हैरी से गन मांगता है तभी हैरी गोली मार देता है। और फिर एग्जी बोलता है तुमने ये क्या किया और स्टेटमेंट में इन्फॉर्म कर देता है। फिर जब वो एंटीडोट लाने जाता है दूसरी बार, तो जब तक चार्ली उस स्लैब को उड़ा देता है और अपनी गर्लफ्रेंड सहित, तब एग्जी कहता है मर्लिन से, एक आदमी को ढूंढो स्विट्जरलैंड में, यही हमारे पास एक लीड है। और दूसरी तरफ दुनिया में लोगों की उस वायरस से इन्फेक्शन लोगों की तादाद बढ़ती रहती है। एग्जी और हैरी स्टेटमेंट हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वहां मर्लिन बताता है कि विस्की जल्दी ठीक हो जाएगा। तब हैरी कहता है हमारे लिए ठीक नहीं है। मर्लिन कहता है हमने स्टेटमेंट की रिसोर्सेज की जरूरत है। प्रिंसेस कॉल करती है और एग्जी को, तो वो देखता है कि उसे भी वो वायरस पकड़ा रहता है। तब वो कहता है हमें अभी जाना होगा, हैरी और मर्लिन को, और सब वहां से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है एक वकील पॉपी से मिलने आता है और वो यूएस प्रेसिडेंट से बात करते रहती है और कहती है मेरे सारे ड्रोन हर सिटी में तैयार है, बस एक बार कंडीशन मानने को कहती है और कॉल काट देती है। फिर दिखाया जाता है कि हैरी और एग्जी प्लेन में बैठे हैं और हैरी एग्जी से पूछता है क्या हुआ, तो एग्जी कहता है मेरी ये गर्लफ्रेंड है और अगर ये मिशन फेल हो गया तो वो नहीं बचेगी। तो हैरी कहता है हम कामयाब जरूर होंगे। मर्लिन आता है और उन्हें कुछ नया ड्रेस दिखाता है। उधर विस्की को होश आता है और वो जिंजर को बताता है कि हैरी ने उसे गोली मारा था और जेट तैयार करने को कहता है। फिर एग्जी और हैरी बैठे रहते हैं। तभी मर्लिन आता है और उन लोगों को वेपन देता है। दूसरी तरफ वायरस से बीमार लोगों की संख्या बढ़ने लगती और विस्की भी फाइटर जेट से आ रहा होता है। तब दिखाया जाता है कि एग्जी, हैरी और मर्लिन पॉपी के प्लेस पे पहुंच जाते और माइन से बच बजाते पहुंचते हैं। लास्ट में एग्जी माइंस पे अपना पैर रख देता है। तब मर्लिन कुछ बहाना बनाकर एग्जी का पैर हटाकर अपना पैर रख लेता है। तभी एग्जी कहता है तुमने ये क्या किया, वो तो मर्लिन बोलता है अभी इमोशनल होने का समय नहीं है, पहले मिशन, फिर हैरी और एग्जी वहां से चले जाते हैं।
तभी मार्लिन गाना गाकर पॉपी के आदमियों को बुलाता है उसकी तरफ, और जैसे ही वो आते हैं तो वो लैंडमाइन से अपना पैर हटा लेता है और ब्लास्ट हो जाता है। फिर एग्जी और हैरी गोलीबारी स्टार्ट कर देते हैं और चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है, पर वो सबको मारते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर पॉपी के पास पहुंचते हैं। तभी पॉपी अपना ब्रीफकेस चार्ली को देती है और वो वहां से लेकर भागने लगता है। तभी एग्जी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ हैरी पॉपी से एक्सेस कोड मांगता है, तो पॉपी अपने रोबोट डॉग को बुलाती है। उनमें से एक डॉग हैरी के पीछे भागता है। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एग्जी वो ब्रीफकेस चार्ली से हासिल करता है। आयरन आर्म को कंट्रोल करके अपनी वॉच से है और एक तरफ हैरी को मारने वाला रहता है डॉग। तभी हैरी को वो किडनैप हुआ हुआ सिंगर दोनों उसे मिलकर मार देते हैं। एग्जी वो ब्रीफकेस हैरी के पास लाता है। तब पॉपी अपना एक और रोबोट डॉग छोड़ देती है। तब हैरी उसका ध्यान बटाता है और चार्ली एग्जी से बिना आर्म के लड़ने आता है, पर एग्जी उसे हटा देता है और मार देता है। तभी हैरी उस डॉगी के ऊपर पॉपी के पार्लर में जा पिघला हुआ गोल्ड गिरा देता है। फिर वो दोनों पॉपी के पास जाते हैं और पॉपी वहीं रहती है। उसे एक्सेस कोड मांगते हैं पर वो नहीं देती है। तभी एग्जी उसे मर्लिन का दिया हुआ ड्रग्स इंजेक्ट कर देता है। तब वो एक्सेस कोड बता देती है और फिर ड्रग्स ओवरडोज होने के कारण मर जाती है। तब हैरी वो कोड डालने ही लगता है तो विस्की आ जाता और हैरी को रोक देता है अपने वेपन से और कहता है अपने गन यहाँ फेंक दो, और वो फेंक देते हैं। तभी विस्की उन्हें बताता है कि वो प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहा होता है क्योंकि उसकी भी एक लवर होती है जिसे कुछ गुंडों ने मार डाला होता है। ये वायरस उन जैसों को खुद ब खुद मार देगा। वैसे ही एग्जी और हैरी मिलकर उसके साथ फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं और जैसे तैसे उसे मिंसर में डाल देते हैं और उसके बाद वो एक्सेस कोड डाल के सबको रेस्क्यू कर लेते हैं। प्रिंसेस भी ठीक हो जाती है और प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टकीला भी ठीक हो जाता है और किंग्समैन के नाम का ड्रिंक भी होता है और एग्जी की प्रिंसेस के साथ शादी भी हो जाती है। मूवी द एंड हो जाता है।